गाइडलाइन 2.5 लिंक्ड है गाइडलाइन 2.4 के साथ ही, और कहती है कि टू इंश्योर फॉरेन बिजनेसेस डू नॉट इंकर इररिकवरेबल वैट, ज्यूरिसडिक्शंस में चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ अप्रोचेस। अब ये नंबर ऑफ अप्रोचेस कौन सी हो सकती हैं, और बेसिकली ये जो वैट है ये वो वैट है जो डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन बिजनेस जो है इंकर कर रहे हैं। तो अगर ये इनपुट मिले उनको तो किस तरह से मिले, या रिफंड मिले उनको तो किस तरह से मिले। इसके लिए जो अप्रोचेज हैं उसमें से एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि कोई ऐसा सिस्टम वैट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिज़ाइन कर ले कि जिसके तहत जो लोकल वैट इंकर किया है फॉरेन बिजनेस ने उसका उसको डायरेक्ट रिफंड मिल जाए, या आसानी थोड़ी सी ये कर ले कि जो सप्लाईज हों उनको फॉरेन बिजनेस के लिए फ्री ऑफ वैट कर दे या एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स इशू कर दे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि समहाउ फॉरेन बिजनेसेस के लिए लोकल वैट रजिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल बना दी जाए रिफंड के पर्पसेस के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये भी हो सकता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शिफ्ट कर दिया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स कलेक्ट करने की, चार्ज करने की, रिमिट करने की। जनरली वैट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की है, इंटेंशनल ट्रेड के परस्पेक्टिव में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की बात हो रही है तो वो फिर कस्टमर के ऊपर बात जा रही है। इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है। इस तरह की जो ये मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, इन अप्रोचेस में किसी एक अप्रोच को किसी दूसरी अप्रोच के ऊपर प्रेफरेंस शायद नहीं दी जा सकती। असल मकसद बेसिकली ये है कि एक बैलेंस स्ट्राइक करने की जरूरत पेश आएगी। ये बैलेंस होगा कंप्लायंस कॉस्ट जो बिजनेसेस के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, और फिर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो रिस्क हैं टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस के। इस हवाले से देखा जाए तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है कि कोई मिक्स ले लिया जाए जिसमें मे बी कुछ सप्लाईज के लिए वैट फ्री अप्रोच हो, कुछ के लिए डायरेक्ट रिफंड की अप्रोच हो, और कुछ के लिए रजिस्ट्रेशन कटवाने वाली अप्रोच हो। मिसाल के तौर पे अगर डायरेक्ट रिफंड की अप्रोच को देखा जाए तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बहाल काफ़ी ज़्यादा होगी, इसके मुकाबले में अगर सप्लाईज को वैट फ्री कर दिया जाए तो उतनी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं होगी। तो शायद अगर कॉस्ट प्रेफरेंस है तो वैट फ्री कर दिया जाए ट्रांजेक्शन को, लेकिन डेफिनेटली इससे रिस्क जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दूसरी साइड पे अगर फर्ज करें जो सप्लायर है उसके लिए कस्टमर की का स्टेटस, उसकी लोकेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन में मुश्किल का सामना होता है जब तक कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से, फॉरेन जुरिस्डिक्शन से ही वो डील करता है सप्लायर के लिए। तो ऐसी सूरत में मे बी शायद रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना दिया जाए जिसमें फिर बाद में रिफंड मिले फॉरेन बिजनेस को।